गांव नंदीग्राम में बंगाल के लोगों ने डीजी को क्लीन बोल्ड कर दिया। मैं हैरान हूं, इतनी कड़वाहट ये दीदी कहां से लाती है। साथियों, दीदी की कड़वाहट, उनका क्रोध, उनका गुस्सा, उनकी बौखलाहट दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। बढ़ रही है ना? जानते हैं क्यों? मैं बताता हूं, क्योंकि बंगाल में हुए आधे चुनावों में, अभी तो 4 राउंड हुए हैं, 4 होने बाकी हैं, आधे चुनाव में आपने टीएमसी को साफ कर दिया, यानी आधे चुनाव में ही टीएमसी पूरी साफ। 4 चरणों के चुनाव में बंगाल की जागरूक जनता ने इतने चौके छक्के मारे, इतने चौके छक्के मारे कि बीजेपी की सीटों की सेंचुरी हो गई है। जो आपके साथ खेला करने की सोच रहे थे, उन्हीं के साथ खेला हो गया है। अब आप बताइए, ये दीदी आपसे गुस्सा होगी या नहीं होगी? एक तो नंदीग्राम में बंगाल के लोगों ने डीजी को क्लीन बोल्ड कर दिया, यानी बंगाल में दीदी की पारी समाप्त हो चुकी है। दूसरा, बंगाल के लोगों ने दीदी का बहुत बड़ा प्लान फेल कर दिया। बंगाल की जो जनता है बहुत समझदार है, यहां के लोग बहुत ही दूरदृष्टा है। दीदी तैयारी करके बैठी थी कि पार्टी की कप्तानी भाईपो को सौंपेगी, लेकिन दीदी का ये खेला भी जनता ने समय रहते समझ लिया और इसलिए दीदी का सारा खेला धरा का धरा रह गया। और तीसरा, दीदी की पूरी टीम को ही बंगाल के लोगों ने मैदान से बाहर जाने का कह दिया है। अब दीदी बंगाल के लोगों से जरा गुस्सा तो होगी ही। भाइयों और बहनों, दीदी को यह भी मालूम है कि एक बार यहां से कांग्रेस गई, कभी वापस नहीं आई। वाम वाले गए, लेफ्ट वाले गए, वापिस नहीं आए। दीदी आप भी एक बार गई, कभी वापिस नहीं।
भाई और बहनों, दीदी और उनके गिरोह की बातें ये बताती है कि टीएमसी की बहुत बड़ी हार होने जा रही है। दीदी और उनके गिरोह की बातें ये बताती है कि बंगाल के लोगों से उनकी नफरत कितनी बढ़ती जा रही है। अब दीदी के लोग बंगाल के शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के हमारे भाई बहनों को गाली देने लगे हैं, एससी समुदाय को अनुसूचित जाति के भाई बहनों को दीदी के करीबी लोग कहने लगे हैं, उनको भिखारी कहने लगे हैं।